हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। क्रिएटिव सीमाज लाइफ में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको काले चने से बनी ऐसी सब्जी के बारे में बताऊंगी जिसको कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि ये सब्जी काले चने से बनी और इतनी टेस्टी बनती है कि दो की जगह चार रोटी खाएंगे आप। देख लीजिए, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक प्याज, एक टमाटर, इसको मोटा मोटा काटेंगे, और मेरे पास है पाव भाजी मसाला, गरम मसाला, धनिया, कसूरी मेथी, लाल मिर्च पाउडर और नमक, और एक प्याज, एक टमाटर, एक इंच अदरक और 6-7 लहसुन की कलियों से मैंने ये टमाटो प्यूरी या अनियन प्यूरी ये बना के रखी हुई है। अब देखिए, जो मैंने आपको प्याज टमाटर दिखाए थे, मैं इसको मोटा मोटा काट लूँगी, और ये मेरे पास लहसुन, हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, इनको भी मोटा मोटा काट लूँगी क्योंकि इन सबको मैं चने के साथ पेस्ट बनाऊँगी। ये चने जो हैं मैंने भिगोए थे, इनको बॉयल नहीं किया है, और ये सारी चीज़ें डाल के मैं इसको दरदरा पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए अभी मोटा है, इसको थोड़ा और फाइन करूँगी, और ये देखिए हमारा अच्छे से पेस्ट रेडी हो गया है। मैं इन चनों को ना ही उबालूंगी, ना ही फ्राई करके पकोड़े बनाऊंगी, लेकिन देखिए केवल भीगे हुए चने से ही बनाऊंगी। मैं क्या बनाऊंगी देखिए, अब मैं इसमें चॉप्ड अनियन और हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब जाएगा इसमें 2 चम्मच बेसन, 2 चम्मच बेसन डाल दिया हमने। अब जो मसाले मैंने आपको दिखाए थे, ये सारे मसाले मैं इसमें ऐड करूँगी और अच्छे से मैं इनको मिक्स कर लूँगी। देखिए ये पतला घोल नहीं रखना है हमको, और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट रखना है। ये देखिए मेरे हाथ में ये ऐसे बॉल बन जाए, ऐसी कंसिस्टेंसी रखनी है आपको इसकी, और इस तरह से हम बॉल बना लेंगे और उसको खोलते हुए पानी में डालेंगे। देखिए ये ना थोड़ी देर में ही तैर कर ऊपर आ जाएंगे, आपको दिख भी रहे होंगे, ये तैर कर अपने आप ऊपर आने लगेंगे जैसे ही ये पकने लगेंगे। लेकिन हाँ, गैस कम मत कीजिएगा, नहीं तो वो अच्छे से नहीं बनेंगे। ये देखिए ऊपर आपको दिख रहे हैं, ऊपर आते हुए जैसे जैसे ये पकते जाएंगे और ऊपर आते जाएंगे ये। अब मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम जल्दी से आप इसमें कलछी बिल्कुल मत चलाइएगा, थोड़ा 2-4 मिनट पकने दीजिएगा, उसके बाद ही चेक कीजिएगा कि हमारे ये कैसे बनने हैं। ऐसे ही हम इनको 4 से 5 मिनट और पकाएंगे, और फिर देखिए हम इनको, ये हमारे रेडी हो गए हैं, हम इनको एक अलग बाउल में निकाल लेंगे। ये ऐसे चलाते हुए हम सारे बाउल्स को निकाल लेंगे। अभी एक 80% पक चुके हैं और 20% ये पकेंगे हमारी ग्रेवी में। ये निकाल लेंगे, और इसको निकालने के बाद जो हमारा आगे का बैच है, हम उसको भी ऐसे ही पानी में कुक कर लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे आपको दिख रहे हैं, आप इसको पकोड़ा भी नहीं कह सकते, लेकिन पकोड़े जैसा ही है। अब कढ़ाई में हम तेल गरम करेंगे, तेज़पत्ता, दालचीनी, 2 इलायची डालेंगे। जब ये गोल्डन हो जाए तो हम ये देखिए ये अनियन टमाटो का जो पेस्ट था वो हम इसमें डाल देंगे, और इसमें अब सीजनिंग भी कर देंगे, नमक, मिर्च, हल्दी, बेसिक मसाले ही डालेंगे क्योंकि बाकी सारे फ्लेवर हम डाल चुके हैं, धनिया पाउडर भी डाल देंगे। जो हमने इनके बॉल्स बनाए हैं उसमें सारे मसालों का टेस्ट ऑलरेडी है, तो हम ग्रेवी में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। अब देखिए ग्रेवी जब तेल छोड़ने लगेगी तब हम इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे। इस सब्जी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और फिर देखिएगा कि ऐसे भी बना सकते हैं काले चने की सब्जी,
मेहमानों को एक बार खिलाइएगा, वो बार बार आने के बहाने ढूंढेंगे आपके घर कि आप कुछ अलग से ही सब्ज़ी बनाते हो। ये देखिए मेरा दूसरा बैच भी रेडी हो गया और इधर मेरा मसाला तैयार हो रहा है। अब मैं इसमें वही पेस्ट जिसके मैंने बॉल्स बनाए हैं उसका थोड़ा एक चम्मच मैं इस ग्रेवी में भी डालूंगी, जिससे कि वो उसका टेस्ट इस ग्रेवी में भी पूरा पूरा आए। ये इस सब्जी की छोटी सी ट्रिक है। ये हमारी सब्जी को थोड़ा थिकन भी बनाएगी और टेस्टी भी बनाएगी। अब जिस पानी में हमने वो बॉल्स तैयार किए थे, कुक किए थे, उस पानी को हमको फेंकना नहीं है, उसी पानी को हमको इसकी करी बनाने में इस्तेमाल करना है। जितना इस्तेमाल हो उतना कर लीजिए, बाकी बचे तो फेंक दीजिएगा, लेकिन पहले से उसे फेंकिएगा नहीं। ये देखिए, और ये सब्ज़ी कम तेल की सब्ज़ी में ही गिनी जाती है क्योंकि हम इसको फ्राई नहीं किए हैं पकौड़े को। अब हम इसमें ये बॉल्स डालेंगे और मिक्स करके 4 से 5 मिनट इसको कुक करेंगे। जब आप इसको देखेंगे तो देखने में ये लगेगा कि कढ़ी है, टेस्ट भी थोड़ा सिमिलर होगा लेकिन कढ़ी वाला नहीं होगा, खट्टा नहीं होगा। कढ़ी खट्टी होती है, ये खट्टा नहीं होगा और बहुत ही पराठों के साथ तो लाजवाब लगती है ये सब्ज़ी। ये देखिए अब सर्विंग टाइम आ गया और मैं इसको बाउल में सर्व करूँगी। और इसको गार्निश आप कच्चे प्याज के साथ कीजिएगा तो मज़ा आ जाएगा। धनिया के पत्ते और कच्चे प्याज ये आप डाल के इसको गार्निश कीजिएगा। और मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ फिर किसी रेसिपी के साथ।